हमार विंध स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर सिंगरौली से है, जहां पुलिस 4 क्विंटल 30 किलो गांजा लिए एक आरोपी का गिरफ्तार करी। जब्त गांजा 47 लाख रुपया के बतावा जात हवे। मुखबिर के बताए मां घेराबंदी कर आरोपी तिलकराज सिंह गोड़ का धय दबोची निभे पुलिस, जहां पूछताछ में पता चला कि आरोपी लूटी गाँव के पहाड़ में ही गांजा के खेती कई के गांजा के जिला भरे में सप्लाई करत रहे। बुलेटिन की अगली खबर मऊगंज से है, जहां सिविल अस्पताल के लोकार्पण के हड़बड़ी के चक्कर में ही अस्पताल भवन का बनवावे के काम में ही खूब लापरवाही हुए के बाद सबें आवत लाखी बे, जहां कई बिना तराइन के प्लास्टर करवाए दिन गा तुम्हें अब बिजली के फिटिंग और फर्श के काम भवन में होत लाग हवे। बतावा जात हवे कि अस्पताल के अब 45% के काम लगभग पूरा भा हवे, पर काल 29 अप्रैल का सांझ के एकर लोकार्पण कई दिन गा। वहीं लोकार्पण का लय के जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी एका भाजपा विधायक के ओछी और घटिया राजनीति के तलगी सीमा लाघव बताइन और का कहिन अपनों सुने। हम लोग जब बचपन में देखते थे वही स्थिति आज भी है, बिल्डिंग बन गई उससे थोड़ी लाभ कुछ नहीं है, कोई माने कोई ऐसी मशीन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, संचालन करने वाले लोग नहीं हैं, कुशल संचालन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई लेना देना नहीं है, तो ये विधायक जी जो है तो इसके आदि। कोई जनता को लाभ जब आप जो है तो आपके पास कोई सुविधा नहीं है, बिल्डिंग बन गई है, जब हमारे पास डॉक्टर नहीं है, उसकी पैथोलॉजी नहीं है, उसके लोग उपकरण नहीं है, तो उसका जनता को क्या लाभ मिलेगा। बुलेटिन की अगली खबर सिंगरौली जिला से है, जहां जिला में ही 16 साल की किशोरी के अपहरण के मामला सामने आबा है। 20 अप्रैल का किशोरी अपने घरे वालन के संगे डॉक्टर के लगे गई रही और यही समय सोच खातिर गई, पर लटक के नहीं आई, जेके बाद माड़ा थाना में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। वहां मोबाइल में मिले लोकेशन से किशोरी का छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से 27 अप्रैल का बरामद कैलीन गा हवे। 28 अप्रैल का सिंगरौली पुलिस नाबालिग युवती का लेके सिंगरौली पहुंची, किशोरी के बयान में ही पुलिस मामला की जाँच कर रही है। बुलेटिन की अगली खबर सिंगरौली से है, जहां जिला अस्पताल सह ट्रामा सेंटर बिजौली में ही शुक्रवार का मरीज के परिजन ड्यूटी में तैनात डॉक्टर राजेश व्यास के संगे गाली गलौच और मारपीट कई दिन, जेके बाद अस्पताल में ही अफरा तफरी बन गए। डॉक्टर की शिकायत में ही 3 नामजद और 2 आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके पुलिस जांच कर रही है। हालांकि जिला अस्पताल सह ट्रामा सेंटर में यमेर के पहल मामला नया, जिला अस्पताल में ही अक्सर ऐसा मामला देखे का मिलते रहा था। वहाँ जिला प्रशासन और पुलिस महकमा हर दर की जिला अस्पताल में ही पुलिस चौकी के व्यवस्था करवावे के आश्वासन दे के शांत हो जाती है। बुलेटिन की अगली खबर सीधी से है, जहां जिला के बाहरी थाना के अमरपुर गांव में ही छोला छाप डॉक्टर के दवाई से मरीज के मौत हुई गए, जेके बाद परिजन हंगामा खड़ा कर दिन। एकर जानकारी पौतय तहसीलदार आंचल अग्रहरी और थाना प्रभारी पवन सिंह अपने दल बल के लेके पहुंचे, वह स्थिति के नियंत्रण में करें। सिहौलिया के रहने वाले राजपति साकेत शुक्रवार का अपने बिटिया के परीक्षा में ही अमरपुर गांव आए रहे, जहां सांझ के 6 बजे के आसपास उनके सीना में दर्द भा। नियर इन के सुनील मेडिकल में उनका ले जावा गा, जहां झोला छाप डॉक्टर उनका इलाज करें। एक ही कुछ देर में ही राजपति के मौत हुई गई, जेके बाद पुलिस सुनील मेडिकल का सील कर दी नहीं भय। वह मेडिकल संचालक डॉक्टर रहा के नहीं या जांच के बाद पता चल सकी। बुलेटिन की अगली खबर सतना से है, जहां एक छोट का विवाद में ही युवक का तालिबानी सजा दीन गई है। अपने बता दी कि एक युवक के संगे जम के मारपीट कीन गए, युवक का सतना के गुजरा गांव ले जाए के मारपीट कीन गए। ये मारपीट में ही 5 युवक शामिल बताए जात हम, जहां महेंद्र और उनकर साथी मारपीट के घटना करी नहीं भय। मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया में घलाए वायरल हो रहा है। अपने बता दी कि सतना जिला के ताला थाना क्षेत्र में यह मारपीट के घटना भय। वह पुलिस युवक का हिरासत में ले ली नहीं है, जबकि बाकी इनके तलाश की जा रही है। कहाँ के महेश गुरु आईडी खोला महेश गुरु आया हाथ हटाओ कैसी जानते हैं भागन रुक लो। बैठ बैठ बैठ।
बुलेटिन की अगली खबर मऊगंज के नईगढ़ी से हवे, जहां के वार्ड क्रमांक 12 के रहे वाले मंजूर अहमद खान आरोप लगाइन कहिन के हम अपनी प्रधानमंत्री आवास योजना के तीसरी किस्त खातिर कार्यालय से लेके बैंक के चक्कर काटित ला हवे, जेखा लेके हम सीएम हेल्पलाइन मघलाई शिकायत करे रहे। वहां शिकायत का लौटावे खातिर हमारे ऊपर दबाव बनाबागा और शिकायत बंद करवाए दिन गए, पर हमारे खाता में आज तक तीसर किस्त नहीं आई, जैके कारण हम परेशान हैं। अपने बता दें कि नगर परिषद नईगढ़ी में ही आवास के नाम पर खूब भ्रष्टाचार हो रहा है, नियम कानून के जम के धज्जी उड़ाई जा रही है। पीड़ित बताएं कि ये मामला की जांच करवाई जाए, साथ ही उनका न्याय दिलवाया जाए। अपना का नाम है? हमारा नाम मंजूर अहमद है। हाँ। कौन गांव के हैं? हम लालगंज वार्ड नंबर 12 नगर परिषद नईगढ़ी के हैं। अपना समस्या का? हमारी समस्या यह है कि प्रधानमंत्री आवास की तीसरी किस्त के लिए हम आज 4 महीना पहले से भटक रहा हूं। जिसकी कई बार हमने शिकायत भी सीएम हेल्पलाइन में किया तो सीएमओ द्वारा कहा गया कि आपको पैसा आ जाए मैं दे दूंगा। आज 1 हफ्ते 10 दिन पहले पैसा आया और कहा गया कि आप हेल्पलाइन कटवा दीजिए तो मैं आपको पैसा आपके खाते में डाल दूँ। जब हेल्पलाइन हमने कटवा दिया तो हमारे खाते में पैसा नहीं गया, और जो टेम्परेरी बाबू है उसके द्वारा सीएमओ के द्वारा पैसा मांगा गया कि पैसे दो तब हम आपके खाते में पैसे डालेंगे। ये मेरी समस्या है। आज मैं बालू गिट्टी इतना महंगा है कि मैं कहाँ से ला कर दूँ, जिसका लिया हूँ कि भाई जियो टेकिंग करवा लो, जियो टेकिंग करवा लिए, सब कुछ करवा लिए। अब हमको शायद इतनी परेशान किए हैं कि हमारा पैसा खाते में नहीं डाल रहे हैं, हम क्या करें। सब पता चला है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत है। उत्तर प्रदेश के लोग आ करके यहाँ सरकारी जमीन में कब्जा बना करके राशन कार्ड आवास सब प्राप्त कर चुके हैं। और आप पुश्तैनी? मैं पुश्तैनी पट्टेदार हूं, जो अपने के पट्टे में घर बनाया हूं, जिसका कोई सुनवाई नहीं। बुलेटिन की अगली खबर सतना से है, जहां जिला प्रशासन के बुलडोजर शुक्रवार का एक दर की पुनी के चला, जहां शहर के कृपालपुर नगर निगम के इनिकेट गेट के समूह लगभग 11 एकड़ जमीन में बनाई अवैध कॉलोनी का प्रशासन की टीम तहस नहस कर दी। अपने बताई दी कि प्रशासन पखवाड़े भरे के भीतरे शहर में अमेर के तीसरी बड़ी कार्रवाई का अंजाम दी नहीं। बतावा जाता है कि अप्लाटिंग अवैध कॉलोनी के सूची में शामिल रही है, जिसके बाद नगर निगम चेतन दास का नोटिस दे रही पे के बाद यहाँ प्लॉटिंग और नाली बनवावे के काम कीन गरहा। वहीं प्रशासन की टीम शुक्रवार का दोपहरी में बुलडोजर चलाए के अतिक्रमण से मुक्त करवाई नहीं की कार्रवाई है। हमारे कॉलोनी सेल शाखा द्वारा इनको सबको विधिवत नोटिस जारी की गई थी। 11 एकड़ में लगभग कॉलोनी बनाई गई है, तो उसके विरुद्ध कमिश्नर के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। 3 मकान बने थे, 1 संजय तिवारी का मकान था, 2 विजय मुरारका के मकान थे। आप लोग सब देख रहे हैं, पूरी रोडें भूमाफिया स्वयं से उखाड़ लिया था। जो भी यहाँ नए हुए भरी हुई थी उनको सब हम लोगों ने हटा दिया है और 3 मकानों को जमींदोज कर दिए। कितने एकड़ में प्लाटिंग हुई? ये लगभग 11 एकड़ में थी। 11 एकड़ में थी। कौन है ये लोग अभी प्लाटिंग कर? ये नाम इसमें कई लोगों का है। विजय मुरारका के मकान वो भी शामिल होगा, और मनसुख पटेल हैं शायद, और भी दो कई लोग हैं, उनके नाम मालूम नहीं है। अब वो अवैध कॉलोनी शाखा वाले बता सकते हैं जिनके नाम से नोटिस जारी हुई होगी। बुलेटिन की अगली खबर रीवा से है, जहां कांग्रेस नेत्री कविता पांडे मीडिया से चर्चा करके कहीं कि रीवा के बघेली धरोहर अब खत्म हो के कगार में आ चुकी है। जौन मेर से भाजपा शासन निरंकुश हो गए हैं, भय में भाषा में प्रहार की जाला है। अपना बताई दी कि रीवा बघेल खंड में ही बघेली भाषा के अलग महत्व है। एक साथ ही नेत्री कहिन के रीवा के धरोहर रीवा स्टेशनों का खत्म करे के कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेत्री कहिन के सरकार बघेली धरोहर का कुचल लाही है और जनप्रतिनिधि चुपचाप तमाशा दिख रहे हम। आई सुनाई थे कांग्रेस नेत्री कविता पांडे का कह रही हम। अब अपना पंचम का सब सुख का राम राम, स्वागत है हमारे आज के पत्रकार वार्ता में। कुछ विशेष विषय पर चर्चा करे खातिर हम अपना पंचम का निवेदन करें और अपना पंचम के स्वागत वंदन और अभिनंदन है। आप सबको अभी जानकारी हुई होगी कि 1 मई से रीवा रेडियो स्टेशन जो लगभग 40 वर्षों से यहाँ का प्रसारण कर रहा था कार्यक्रमों का, खास तौर पे बघेली, घर लक्ष्मी, चौपाल, किसानों का कार्यक्रम, तो बघेली के जटरम बस वो सारे कार्यक्रम 1 मई से बंद किए जा रहे हैं और ये सारा का सारा प्रसारण भोपाल से होगा। यह सूचना हमको समाचार पत्रों के माध्यम से
प्राप्त हुई है, आपको भी प्राप्त हुई होगी। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की नेता मिनिस्टर उषा ठाकुर जी आई थी सीधी, और उन्होंने कहा था कि हम यूनिवर्सिटी में एक बघेली पीठ की स्थापना करेंगे और बघेली भाषा के संवर्धन के लिए हम लोग कार्य करेंगे। दूसरी तरफ इनका यह आचरण, हमारे रीवा के लोकप्रिय सांसद जनार्दन मिश्रा भी गाहे बगाहे बघेली के फेवर में बात करते हैं, और जब वो सांसद बने थे तो उन्होंने लोकसभा में अपनी शपथ बघेली भाषा में करने की कोशिश की थी, थोड़ा सा बोला भी था, लेकिन लोकसभा के जो सिस्टम रहा होगा उनको रोक दिया गया था। तो मैंने उनको देखा है, सांसद महोदय बघेली के उत्कर्ष उत्थान संवर्धन के लिए कार्य करते रहते हैं, मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ। और मैंने उनसे कहा, कल जब मुझे सूचना हुई तो मैंने उनसे कहा कि मुझे समय दीजिए मिलने का, ताकि अपन इस विषय पर चर्चा करें और हम सब मिलकर लड़ाई लड़ें कि रीवा रेडियो स्टेशन से जो प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है उसको हम कैसे बचाएं। तो उन्होंने, सांसद महोदय ने कहा कि मैं दिल्ली प्रवास पर हूँ, 6 तारीख को आप आइए, तो हम 6 तारीख को आप सबके साथ जाएंगे और उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो एक तरफ शिवराज सिंह जी आए थे यहाँ पर अरविंद महोत्सव में, आप सभी को याद होगा, उन्होंने कहा था कि हम बघेली के लिए काम करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर इसको बंद करने के बाद बघेली हमारी भाषा आए, बोली आए, और जिस तरीके से भोजपुरी, जौनपुरी, राजस्थानी तमाम प्रकार के बोली भाखा खातिर भारत सरकार काम कर रही थी, हम भारत सरकार से अनुरोध करी थे भाई कि हमारे बघेली भाषा का वह स्थान दिन जाए जौन अन्य भाषा बोली का दिन जाता है। विंध्य प्रदेश के जब मर्जर हो गया 1 नवंबर 1956 के बाद से हमारी बघेली भाषा के खिलाफ लगातार षड्यंत्र जारी है, और यह पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश तो मैं इसकी निंदा करती हूँ। मैं दूरदर्शन का उदाहरण यहाँ पर जरूर देना चाहूँगी कि लगभग 3000 साल पहले यही कहा गया कि हम नया प्रयोग करेंगे और हम भोपाल से दिल्ली करेंगे, और आज रीवा दूरदर्शन अंतिम सांसें ले रहा है और एक तरह से लगभग दफन सिस्टम हो चुका है। तो जो रीवा रेडियो स्टेशन को भी अतीत में दफन करने की कोशिशें की जा रही हैं, यह निंदनीय और शर्मनाक कृत्य है, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, मोदी जी से, और रीवा में सांसद हैं जनार्दन मिश्रा जी, सीधी वाले अजय प्रताप सिंह जी, और मेरे भी दो सांसद हैं जो राजमणि पटेल जी और विवेक तनखा साहब, ये लगभग विंध्य की माटी के सपूत हैं, और मैंने इनसे सबसे अनुरोध किया है कि आप सब मिलकर इसकी लड़ाई लड़िए, ताकि हम सब लोग अपनी बोली को, भाषा को, और खासतौर पे रेडियो स्टेशन को बचा सकें। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।